Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening. Wherever you are, I am ACC Disha Chauhan of Proud FinTrammer. Welcome everyone to another video for the series hashtag ACC for class 12. So, bacho, aaj ke video mein hum discuss karne wale hain about 5 amazing benefits of ACC. So, if you are interested, agar aap ye janna chahte hain, so keep on watching this video. Wherever you are, I am ACC Disha Chauhan of Proud FinTrammer. Welcome everyone to another video for the series hashtag ACC for class 12. So, bacho, aaj ke video mein hum discuss karne wale hain about 5 amazing benefits of ACC. So, if you are interested, agar aap ye janna chahte hain, so keep on watching this video. So, हमारे लास्ट वीडियो में जो कि सीरीज का जो पहला वीडियो था उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज ACCA एंड हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिस्कस कर लिया. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, अगर आपसे वो मिस आउट हो गया है, देन उसका लिंक जो है आई बटन में डाल दिया गया है. सो गो हैड एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. उसमें हमने क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि ACCA एग्जैक्टली होता क्या है, कौन एलिजिबल है, क्या क्या उसके क्राइटेरियाज हैं, तो वो वीडियो भी मिस आउट मत करना. आई बटन में उसका लिंक दे दिया गया. अब आ जाते हैं हम आज के वीडियो में जहां हम डिस्कस करने वाले हैं बेनिफिट्स ACCA के. 5 कुछ ऐसे बेनिफिट्स जो काफी अमेजिंग है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं उसके ऊपर. नंबर 1, सबसे पहला बेनिफिट है दैट यू आर एम्प्लॉयबल इन ओवर 180 प्लस कंट्रीज बिकॉज This is a global recognized course. ACCA एक ऐसा कोर्स है जो कि over 180 plus countries में recognized है. तो अगर आप चाहें, you know, कुछ popular countries जहाँ पे usually लोग जाते हैं as ACCA, जहाँ पे ACCA की बहुत demand है, वो हो गई countries जैसे कि UK, Canada, आपका Australia हो गया, Dubai हो गया, Singapore हो गया, इन सभी countries में ACCA are high in demand. And ऐसी बहुत सारी कंट्रीज और भी हैं, यू नो 180 प्लस कंट्रीज है भाई जहाँ ये कोर्स रिकॉग्नाइज्ड है. तो अगर आप फ्यूचर में कभी बाहर जाके जॉब करना चाहते हो, अगर आपका बाहर सेटल होने का एम है, आप तब जा सकते हो. अगर आपको सिर्फ थोड़े पीरियड के लिए जाना है, जस्ट टू ट्राई आउट कि बाहर कैसा होता है, काम कैसा है, अलग है, आपको वो एक्सपीरियंस करना है, तब भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि आपने एक ऐसा कोर्स किया है कि आप बाहर जा सकते हो, कुछ साल काम करके वापस आ सकते हो, तो आपको यहाँ पे भी एम्पल अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं. इतनी बड़ी सारी एमएनसीज हो गई, बिग फोर्स हो गए, यू नो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, ये सारी कंपनीज इंडिया में भी हायर करती हैं ACCA को. दे आर हाई इन डिमांड. एंड अगर आप बाहर जाना चाहो तो बाहर भी ऑलमोस्ट यू नो 180 प्लस कंट्रीज में ये कोर्स रिकॉग्नाइज्ड है. तो आपको जॉब की कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है. मेरा खुद का एक दोस्त है, अभी रिसेंटली मुझे उसका पता चला, कॉल आया, कई सालों से इंडिया में ही जॉब कर रहा था, ACCA क्वालिफाई कर लिया, एज अ ACCA स्टूडेंट ही जॉब करने लगा था, एफिलिएट बन के देन मेंबर बन गया. एंड अब वो बाहर जाना चाह रहा था, तो उसको ईजिली, जबकि वो एक दूसरे बिग फोर में इंडिया में काम करता, अब एक दूसरे बिग फोर में, दूसरी कंट्री में उसको आराम से जॉब मिल गया. यहीं बैठे बैठे ही वॉज एबल टू फाइंड अ जॉब. ही वॉज अ क्वालिफाइड ACCA, कुछ साल वर्क एक्सपीरियंस उसने इंडिया में लिया, एंड अब वो बाहर जा रहे हैं. चाहे तो वापस वहां से भी आ सकता है अगर उसको नहीं अच्छा लगा, या उसको फैमिली रीजंस जो भी है. बेसिकली आपके पास एक चॉइस हो जाती है कि आप कहीं पे भी काम कर सकते हो, कितना साल आपको करना है, वापस आना है, तो आपको ये डर नहीं कि अरे मैं वापस आऊँ तो मुझे क्या उस कंट्री में जॉब मिलेगा. अगर मुझे दूसरी कंट्री में कहीं जाना है और उस कंट्री के बाद मुझे कहीं और जाना है, तो क्या मुझे वहां जॉब मिलेगा, क्या मेरा कोर्स वहां रिकॉग्नाइज्ड है. ACCA में इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. 180 प्लस कंट्रीज में रिकॉग्नाइज होते, ये तो एकदम ही कोई टेंशन की बात ही नहीं. अब हम बढ़ेंगे दूसरे बेनिफिट की ओर, पर उससे पहले सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज वी पोस्ट रिलेटेड टू ACCA सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स. चाहे वो अपडेट्स हो गए, वीडियोज हो गए, उसके बारे में कुछ भी जो भी ACCA से रिलेटेड है हम पोस्ट करते हैं.
और वो आपके लिए काफी यू नो यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा. सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो हिटिंग दैट नोटिफिकेशन बटन ऑन. इस सीरीज में जब मैं आगे भी वीडियोस अब अपलोड होंगे इसी सीरीज में आगे एपिसोड्स, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि भाई मैम का, दिशा मैम का एक और वीडियो आ गया है, आप देख सकते हो एंड आगे उससे बढ़ सकते हो. तो इसलिए डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट दैट नोटिफिकेशन बटन ऑन. अब चलते हैं दूसरे बेनिफिट की ओर, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट बेनिफिट है, जो कि है फ्लेक्सिबिलिटी. ACCA इतना फ्लेक्सिबल कोर्स है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इतना फ्लेक्सिबल हो सकता है. यहाँ पे जो है आपके ऊपर चॉइस है, राइट? आपको 11th क्लास में स्टार्ट करना है, 12th में करना है, 12th के बाद करना है, भाई कॉलेज में करना है, हर चीज का ऑप्शन है, हर चीज अवेलेबिलिटी है कि भाई आप जब चाहो स्टार्ट कर सकते हो, जिस लेवल से आप चाहो स्टार्ट कर सकते हो. ये किसी और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरह नहीं है कि आपको ग्रुप में एग्जाम देने हैं, उस ग्रुप का कोई पेपर क्लियर नहीं हुआ तो भाई आपको फिर से पूरा ग्रुप देना है. नहीं, आप अपने पेस से एग्जाम दे सकते हो. आपको एक एग्जाम देना है एक सिटिंग में, आप एक दो. आपको दो पेपर देने एक सिटिंग में, आप दो दो. आपके ऊपर चॉइस है. कोई सिटिंग नहीं देनी तो नहीं देने की जरूरत है. मार्च की सिटिंग है, लेट्स से आपके उसमें कॉलेज के एग्जाम आ रहे हैं या स्कूल के एग्जाम आ रहे हैं, तो मार्च सिटिंग मत दो, जून सिटिंग दो. सारी चॉइसेस आपके पास है. एक पर्टिकुलर जब आप लेवल पे होते हो, उसमें कौन सा पेपर किस सीक्वेंस पे देना, ये भी चॉइस आपको दिए. कौन कोर्स इतनी चॉइसेस देता है, मैंने तो नहीं देखा भाई. इतना फ्लेक्सिबल कोर्स है. From the date of your registration, आपके पास 10 साल होते हैं to complete ACCA, which is an ample amount of time. इतनी flexibility, क्योंकि वो जानते हैं कि ये भाई बच्चे पढ़ रहे हैं बाकी चीजें, या अगर कोई कॉलेज में कर रहा है तो उसका कॉलेज का काम है, या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसके पास जॉब का वो है प्रेशर. इस वजह से ये कोर्स इतना फ्लेक्सीबल बनाया गया है कि आप किसी भी पॉइंट पे ये कोर्स कर सकते हो, आराम से कर सकते हो. दूसरा पार्ट जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का आता है, वो है कि भाई ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग अवेलेबल है. फिनट्राम ग्लोबल प्रोवाइड करता है आपको कोचिंग फॉर ACCA. वी आर द गोल्ड अप्रूव्ड ACCA लर्निंग पार्टनर्स. यानी कि आप जो है वो भी कोर्स है, क्लास है, यू नो जिस भी सब्जेक्ट की चाहो, जब चाहो, जहां से चाहो कर सकते हो. घर से करना है घर से करो, आप बाहर गए कॉफी शॉप पे हो, ठीक है, वहां पे आपको लग रहा है एक कोर्स में मतलब एक चैप्टर में खत्म कर दूं, तो वहां से कर लो. आपके पास आपका लैपटॉप है, आपको हमने सारे जो भी यू नो क्लासेस हैं वो दे दिए गए. सो यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम. तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी और कहां मिलेगी. तो ई लर्निंग की वजह से, ऑनलाइन लर्निंग की वजह से ये कोर्स और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है. आपको सुबह पढ़ना है, आप सुबह पढ़ो. आपको रात को 11 बजे स्टार्ट करना है, आप तब स्टार्ट करो. ये कोई कोचिंग क्लास तो है नहीं कि आपको उसी टाइम पे आना है, उस टाइम नहीं आया तो भाई क्लास मिस. आपको एक बार से ज्यादा वीडियो देखना है, आप वो भी देख सकते हो, क्योंकि आपके पास सारी कंट्रोल है. इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और कहां दी जाती है, मेरे हिसाब से तो और कहीं नहीं है. सो इट इज अ हाईली फ्लेक्सिबल कोर्स. तीसरा बेनिफिट जो आता है ACCA कोर्स का, वो है दैट इट इज अ वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम and cost effective when you compare it with other professional qualifications. Professional qualification है, इतनी value है, of course cost है, लेकिन बाकी professional qualification से comparison में cost काफी कम पड़ता है. चाहे वो registration हो गया, classes हो गया. अगर आप Fintram की website पे जाओ तो आप देखोगे कि हम classes कितने nominal rates पे आपको provide करते हैं. और वेल स्ट्रक्चर प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि जो भी इसमें आपको पढ़ाते हैं, चाहे अकाउंटिंग हो गई, ऑडिटिंग हो गई, आपको कभी ये पढ़ के नहीं लगेगा अरे ये हमको क्यों पढ़ा रहे हैं. यू नो हम जब स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, हमको कैसे लगता है ना कि ये चीज क्यों पढ़ा रहे हैं, ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं, इसकी लाइफ में क्या जरूरत आएगी, कभी हम यूज करेंगे. ACCA जब मैंने पढ़ा था, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि यार ये चीज क्यों पढ़ा रहे हैं. हर एक चीज इतनी इंटरेस्टिंग लगी एंड आप एक्चुअली अपने रियल लाइफ में जब यू नो जिस भी फील्ड में काम करोगे आप देखोगे उसका यूज आएगा. सो इट इज अ वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम. ये बनाई गया है टू सूट स्टूडेंट्स एस्पिरेशन. चौथा बेनिफिट जो ACCA का है कि ये जो कोर्स है आपको ऑफर करता है मेनी पॉसिबिलिटीज. यानी कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट अकाउंटिंग. आप अकाउंटिंग में काम करना चाहते हो कर सकते हो, उसमें मैनेजमेंट में करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग में करना है. आप ऑडिट में काम करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो. आपको टैक्सेशन में करना है भाई वो भी पढ़ा रहे हैं, आप टैक्स में कर सकते हो. आपको फॉरेंसिक अकाउंटिंग में जाना है, आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में जाना है, आपको फंड मैनेजमेंट में जाना है.
इतने ऑप्शंस हैं, द पॉसिबिलिटीज आर सो मेनी. तो ये कोर्स करके यू गेट वर्ल्ड ऑफ योर पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज वर्ल्ड वाइड, क्योंकि आप कोई भी मतलब जो फील्ड आपको इंटरेस्ट करे आप उसमें जॉब कर सकते हो, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे जो कि जरूरी है यू नो इस फील्ड्स में. अकाउंटिंग हो गया, ऑडिटिंग हो गया, आप ट्रांजिशन करना चाहो, आपने ऑडिट में स्टार्ट किया, आपको लगता है कि नहीं मुझे दूसरा ट्रैक करना, आप ट्रांजिट भी इजली कर सकते हो. मैंने खुद ऑडिटिंग से स्टार्ट किया था, देन मेरा दूसरा जॉब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में था और मुझे इजली मिल गया, बिकॉज दे नो एज एन एसीसीए मेरे पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स हो गई, नॉलेज हो गई, वो है. तो इट इज अ कोर्स जो ऑफर करेगा आपको मैनी पॉसिबिलिटीज. एंड फिफ्थ एंड लास्ट बेनिफिट फॉर दिस वीडियो इज बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. ACC एक ऐसा कोर्स है जो कि बनाया जाता है इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री लीडर्स हो गए, बिजनेस मैनेजर्स हो गए, यू नो सबके ओपिनियंस लेके जो भी न्यूज अमेंडमेंट्स लेटेस्ट अपडेट्स है वो सब इस कोर्स में इंकॉर्पोरेट है. इसलिए बड़ी कंपनीज हो गई, MNCs हो गई, दे प्रिफर टू हायर ACCAs एंड आपको इसलिए मिलती है बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. अगर आप अभी राइट इन योर 11th क्लास और इन 12th क्लास और जस्ट आफ्टर योर 12th क्लास ACC स्टार्ट कर दो, तो जस्ट इमेजिन इन योर 20s आप बन जाओगे प्रोफेशनल क्वालिफाइड अकाउंटेंट. इजंट दैट अमेजिंग? जस्ट इमेजिन बाय द टाइम यू आर इन योर लेट 20s और अर्ली 30s आप तो मैनेजरल पोजीशन में भी पहुंच जाओगे, बिकॉज यू स्टार्टेड अर्ली ना. आपने एक ऐसा कोर्स पिक किया है जो आपको देगा एम्पल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी. तो ACC एक ऐसा कोर्स है जिसको करके यू नो यू डोंट स्टॉप एनीवेयर, यू जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग एंड ग्रोइंग. एंड वी एट FinTram Global आर द गोल्ड अप्रूव्ड ACC लर्निंग प्रोवाइडर्स हु आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, राइट फ्रॉम यू नो रजिस्ट्रेशन हो गए, उनकी कोचिंग हो गई, मेंटरिंग हो गई, ये सारी चीजें में हम उनकी हेल्प करते हैं. We also offer scholarship worth ₹91,500 which is amazing. इन सब के बारे में जानने के लिए लॉग ऑन टू FinTram's वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स दे गए होंगे विद रिगार्ड्स टू योर रजिस्ट्रेशन क्लासेस हमारी वेबसाइट. आई विल सजेस्ट आपने अभी मन बनाया हो ना बनाया हो ACC करने का, एक बार वेबसाइट पे तो जरूर जाइए, गेट इन टच विद द टीम, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड जस्ट स्टार्ट विद इट. ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया लास्ट वीडियो में व्हाट इज ACC. आज की वीडियो में मैंने बता दिया क्या फायदा होगा अगर आप ACC करो. सो डोंट वेस्ट योर टाइम. ये मत सोचो कि मैं 2 साल बाद स्टार्ट करूंगी या 3 साल रुक जाऊँ. नहीं, आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे आपको उतने जल्दी उतने अमेजिंग बेनिफिट्स बनेंगे एंड आप उतना ग्रो करोगे. सो इन योर 20s, इन योर 30s यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन, जो आप यू नो यूजली बाकी लोग थोड़ा लेट वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि लोग कुछ लोग लेट स्टार्ट करते हैं, उनको नहीं पता होता. आपको अगर ये बात पता चल गई तो डोंट वेस्ट योर टाइम. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, शेयर विद योर क्लासमेट, विद योर पीयर्स, योर कजिन, जो भी आपको लगता है 11th 12th में है, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड में हो ना हो, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में जैसे कि बताया ACC की उनकी भी एलिजिबिलिटी है, हमने उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया था, राइट. तो आप ये वीडियो शेयर करो फैमिली के साथ, उनको भी एजुकेट करो कि क्यों आप करना चाहते हो ACC. यू नो आपकी अगर आप मम्मी को बोलोगे कि मम्मी मुझे ACC करना है, देन दे ऑल्सो नीड टू नो द बेनिफिट. सो शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल. मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगी एक और एपिसोड में इस सीरीज में. तब तक के लिए शेयर इट एंड कोई भी डाउट है कमेंट करो, वी बी हैप्पी टू टेक अप. अगर आप चाहते हो हम किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं, वो भी आप बेशक कमेंट कर दो एंड वी विल बी हैप्पी टू डू दैट. I will see you soon. Till then, this is Disha Chauhan signing off.